हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल जेनिथ टेक्निकल पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों एनसीएल अप्रेंटिस को लेकर। एनसीएल अप्रेंटिस जो निकला हुआ है दोस्तों, इनमें सीटों की संख्या अलग अलग, यानी कि टोटल सीटों की संख्या 480 है दोस्तों, जो कि हम आगे हम जानेंगे। पहले मैं ये बता दूं, ये जो अप्रेंटिस है ये जो है सिर्फ 6 महीने के अंदर ही ये समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ये शॉर्ट टाइम के लिए अप्रेंटिस है, जो कि करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एनसीएल एक नवरत्न कंपनी है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इनसे अप्रेंटिस करने में क्या क्या है, क्या क्वालिफिकेशन क्या होगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लिखा हुआ है दोस्तों एनसीएल फ्रेशर कॉम अप्रेंटिस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एट एनसीएल माइंस स्किल्स सेंटर बाय एससीएमएस अंडर एससीआर। ओके दोस्तों, अब इसमें देख सकते हैं आप किसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। जैसे यदि आप बात कर लें ट्रेड, देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है दोस्तों ट्रेड HEMM मैकेनिकल, यानी कि जो भी मैकेनिकल है दोस्तों उनके लिए टोटल 120 सीट है। उसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है दोस्तों, और यह 6 मंथ के लिए। पहले जान रहे दोस्तों ड्यूरेशन क्या है इसका, 6 मंथ है। यह आप बोल सकते हैं 6 मंथ के अंदर आपको 1,050 आवर वर्क बोल लीजिए या ट्रेनिंग टाइम बोल लीजिए, चाहे पीरियड बोल लीजिए, इतना वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। और सभी के लिए जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहे उनका एज कम से कम 18 से मैक्सिमम 24 होना चाहिए जनरल के लिए। वहीं पे यदि बात करें दोस्तों एज रिलैक्सेशन के लिए, तो एज रिलैक्सेशन के लिए आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल दोस्तों, ये एक्स्ट्रा है, समझ रहे दोस्तों। और यहीं पे देख सकते हैं ट्रेड में आगे बढ़ते हैं माइंस इलेक्ट्रिक, यदि कोई दोस्तों माइंस इलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं तो उनमें भी टोटल सीटों की संख्या 120 है, ये भी 12th पास पे है और 6 मंथ ड्यूरेशन है। आगे देख लीजिए माइन ऑफ वेल्डर के लिए, इनमें 120 सीट है दोस्तों, ये पास आउट है आपका 10th। यदि किन्हीं दोस्तों को 10th पास आउट है और वो फिल कर सकते हैं दोस्तों माइन वेल्डर में दोस्तों। उसके बाद आगे देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि आप बहुत अच्छा जानते हैं। अगर टाइप नहीं जानते तो अपने बड़े भाइयों से पूछे कि डाटा एंट्री क्या होता है, ऐसे भी नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब में डाल के देख सकते हैं डाटा एंट्री का वर्क क्या है। ये आप यहाँ पे काम करने से क्या होगा, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, समझ रहे हैं कि आपने जैसे एक बार महारत्न कंपनी में आप यदि काम कर लेते हैं तो वहां से वर्क करने के बाद आपको छोटी मोटी कंपनी इजी वे में रख लेगी आपको, चाहे काम करने के लिए कहीं आपको जाने, कभी आप लोग अच्छे से काम वहां पे कर सकते हैं अप्रेंटिस, तो आप हो सकता है उसी में मतलब एनसीएल ही आपको रख ले, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ आपको। अब हम लोग बात करेंगे इसमें प्रोसेस क्या है, ये जो एनसीएल की वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप करना, इसमें क्या क्या है। इसमें हम ये सबसे जरूरी बात को हम डिस्कस करना चाहते हैं, जरूरी बात है इसमें दोस्तों। इसमें टोटल सीट आप देख सकते हैं जनरल के लिए क्या क्या है, ओबीसी का कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, आप खुद देख रहे हैं दोस्तों। जनरल के लिए 61 सीट और ओबीसी के लिए 18, एससी को 17, एसटी को 24 सीट, टोटल 120 सीट हर एक ट्रेड में है दोस्तों। जैसा कि ट्रेड आप देख सकते हैं चार कैटेगरी में बांटा गया। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, यदि फॉर्म फिल आप करने जा रहे हैं तो फॉर्म फिल करने से पहले आप अपना देख सकते हैं कि आपने जो पास आउट किया है उसमें मार्कशीट में आपका परसेंटेज क्या है। तो मैं परसेंटेज की बात इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों इसमें जरूरी है, ये खोजा गया है, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, समझ रहे हैं, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। और ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ओबीसी के लिए ये रेंज ऑफ जनरल और ओबीसी के लिए 50% और 45% इज SC ST है, यदि 45 फिल है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और बात कर ली, यह जो एज लिया जाएगा, एज कैटेगरी जो 18 से 24 बोले थे, चाहे उसमें 5 साल बढ़ा दीजिए SC ST के लिए और
ओबीसी के लिए 3 साल यदि बढ़ाते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, वो जो एज लेना है 31/8/2020 तक लेना है, वहां तक में यदि आप 24 कंप्लीट कर लेते हैं, यदि उससे ज्यादा होता है तो वहां तक में यदि हो जा रहा है तो सही है। यदि किन्हीं दोस्तों का उम्र 18 इतना डेट तक में पूर्ण जा रहा है तो वो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, जैसा कि आपने बता दिया दोस्तों, अब मैं बात कर लूं फॉर्म को फिल कहाँ पे करना है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 3.2 स्टेप बाय फॉर्म, फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। फिल करने के लिए आपको दोस्तों www.ncicil.in पे जाके लॉगिन करना है, नहीं कर सकते हैं तो आप एक और वेबसाइट आपका दिया हुआ है www.skillcms.in पे आपको क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो आपको मांगा जाएगा वो क्या है दोस्तों, आपको 6 महीने के अंदर का आपको फोटो देना है, कलरफुल फोटो दोस्तों, और 10th पास मार्कशीट, समझ रहे हैं, मार्कशीट, और क्या दिया जाएगा दोस्तों, एज प्रूफ के लिए आपको देखिए 10th पास का सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए दोस्तों। ये तो आपको कंफर्म है, 10th पास किए होंगे तो ये सब मिलना आम बात है दोस्तों, आपके पास होगा ही पॉसिबल। और 12th पास, यदि 12th पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसको उसका आपका मार्कशीट होना चाहिए, और आपको आधार कार्ड ये जरूरी है दोस्तों। अब हम बात कर लें, ये इतना चीज कंपलसरी है, रहना चाहिए फॉर्म फिल करने वक्त। अब हम बात करते हैं आगे, इसमें जो जरूरी वाला चीज है वो सिर्फ हम मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारा चीज है पढ़ने के लिए, लेकिन आप क्या क्या कर सकते हैं तो उसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो आपको जरूरी है वही मैं बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ दोस्तों कि आप 4.7 में देख सकते हैं आप कि ये 4.6 में, बिफोर ज्वाइनिंग द अंडर स्किल ऑफ प्रोग्राम कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट मेडिकल फिटनेस, यानी कि दोस्तों जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो उससे पहले आपको फिटनेस कहाँ से चेक करवाना पड़ेगा दोस्तों, सी मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा दोस्तों एनसीएल हॉस्पिटल, एनसीएल हॉस्पिटल में आपको अपना फिटनेस चेक कराना है कि हम फिट हैं क्या नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां से आपको सर्टिफिकेट वहां से मतलब इशू कर देगा तो आप क्या फिट पाए जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों उसके बाद एक चीज और बता दूं, यदि आप 10th देख सकते हैं 4.7 में मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट कैसे आएगा दोस्तों, तो मेरिट लिस्ट आएगा दोस्तों यहां देख सकते हैं 10th और 12th पास जो भी फॉर्म भरेंगे उसके मार्क्स के अनुसार, आपके मार्क्स यदि 12 में अधिक होंगे तो आपका मेरिट में नाम आने का चांस है दोस्तों। चलिए दोस्तों उसके बाद यदि बता दें किन्हीं दोस्तों का दोनों में मार्क्स सेम है, समझ रहे हैं कि कहने का मतलब एक राम है और एक श्याम है, दोनों का मार्क्स सेम है तो उस स्टूडेंट को कैसे लिया जाएगा, उस स्टूडेंट को दोस्तों जिसका देखिए यहाँ लिखा हुआ इल्डर, आप देख सकते हैं आगे दोस्तों इसमें लिखा होगा इल्डेस्ट, मतलब जो जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक होगा, मतलब जो एज में बड़े होंगे उनको लिया जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों